Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. हम EGC NET के लिए क्लासेस कर रहे हैं और इस क्लास में पिछली क्लास में थोड़ी कुछ टेक्निकल कमी की वजह से क्लास को बीच में ही रोकना पड़ा था और तब तक हमने जो मसल फाइबर के टाइप्स हम पढ़ रहे थे टाइप ए एंड टाइप बी, ठीक है, या फिर आप यूं कहो कि टाइप वन और टाइप टू। टाइप टू को हम टाइप टू ए और टाइप टू बी के रूप में अलग अलग नामों से जानते हैं, ठीक है। इनके बारे में भी हमने बड़ा अच्छी तरह से डिस्कशन किया था। हमने टाइप वन ए जो स्लो ट्विच मसल फाइबर है, टाइप टू ए जो इंटरमीडिएट मसल फाइबर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और टाइप टू बी जिसको रियल फास्ट ट्विच मसल फाइबर के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हमने अच्छा खासा पढ़ लिया था कल, ठीक है। हमने ये भी जाना था कि जो फटीग रेट है वो आपका टाइप वन से लेके टाइप टू ए और टाइप टू बी की तरफ हाई रहता है, मतलब टाइप टू बी जो है वो सबसे ज्यादा आपको टायर्ड कर देने वाले मसल फाइबर है, ठीक है, और टाइप वन जो है वो सबसे कम। अगर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की बात करी जाए इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, द मोस्ट मोस्ट अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस इन टाइप टू बी मसल फाइबर्स, राइट, एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड विल बी फॉर्म इन टाइप वन मसल फाइबर, राइट। इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अभी क्या करेंगे, हम अच्छी तरह से ये जानेंगे कि और जो मसल फाइबर को कंपैरेटिवली किस तरह से पढ़ा जा सकता है, इसका आपके लिए आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर रहे और आपको कोई भी मतलब कन्फ्यूजन नहीं हो इसके बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आई होप दैट आई विल सी दैट कि कितने स्टूडेंट जो है वो सारे के सारे आंसर्स को सही करते हैं, ठीक है। अब टाइप वन की बात करें, वैसे हमने बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं काफी इसके बारे में, फिर भी मैं एक बार इसको रिवाइज कर देता हूँ। दीज फाइबर्स यूटिलाइज ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी फॉर मूवमेंट, जो भी हम मूवमेंट कर रहे होते हैं उन मूवमेंट को रन करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है उसमें टाइप वन या फिर ये कहूँ कि स्लो ट्विच मसल फाइबर में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। टाइप वन मसल फाइबर हैव अ हाई डेंसिटी ऑफ एनर्जी जनरेटिंग ऑर्गेनल्स। अब आपको ऑर्गेन हाई एनर्जी जनरेटिंग ऑर्गेनल्स किसको बोलेंगे हम लोग, माइट्रोकॉन्ड्रिया को, कि माइट्रोकॉन्ड्रिया एक तरह से स्टोर हाउस भी बोला जाता है इसको बॉडी का, ठीक है। दिस मेक देम डार्क, इसी की वजह से उनका कलर क्या होता है वो डार्क हो जाता है या फिर यूं कहूं कि रेड हो जाता है, इसीलिए इसको रेड मसल फाइबर भी बोला जाता है, ठीक है। अब टाइप टू ए की बात करेंगे, टाइप टू ए क्या होता है, ये टाइप टू ए को इंटरमीडिएट मसल फाइबर भी बोला जाता है, ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, टाइप वन के कंपैरिजन में इसमें थोड़े से कम या कहें या बहुत कम माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है, और इसमें बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही छोटी या फिर फीबल अमाउंट कह सकता हूँ कि ऑक्सीजन को यूज किया जाता है टू जनरेट द एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर मूवमेंट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी, राइट, और द फिजिकल एक्टिविटी। However, they contain less mitochondria, making them light. इसी की वजह से इनका कलर क्या होता है, लाइट होता है, ठीक है। उनका कलर रेड होता है टाइप वन ए का, टाइप टू ए जो होता है इनका कलर जो टाइप वन ए होता है उससे थोड़ा सा लाइट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम टाइप टू बी की, राइट। टाइप टू बी की बात करें तो टाइप टू बी डज नॉट यूज ऑक्सीजन, इसीलिए इसको नॉन ऑक्सीडेटिव मसल फाइबर भी इसको बोला जाता है, ठीक है। ये जनरेट ऑक्सीजन की इसकी जरूरत नहीं होती है, जो एनर्जी आपकी मसल्स में मौजूद होती है, जो एटीपी के फॉर्म में आपके में सिंपलेस्ट फॉर्म में जो एनर्जी यूज होती है उसी को ये एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसमें जो भी एक्टिविटी होंगी वो शॉर्ट बर्स्ट टाइप की एक्टिविटी होंगे, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, इनमें ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत नहीं होती, इस वजह से इनका कलर क्या होता है, इनका कलर भी वाइट होता है, ठीक है, तो इसलिए इनको वाइट मसल फाइबर भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी आप देख लेते हैं स्लो ट्विच मसल फाइबर की और फास्ट ट्विच मसल फाइबर की, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसको टाइप वन ए मसल फाइबर बोलते हैं या फिर इसको एस टी एफ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
SPF। तो अगर आपको ऐसा कुछ लिखा मिलता है कहीं पे, तभी भी आप इसको याद रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, FTF। ठीक है, FTF। तो अगर ऐसा अगर आपको कहीं शॉर्ट में लिखा हुआ मिल जाता है, तभी भी आप क्लियर हो जाए। इसको Type 2 मसल फाइबर बोला जाता है फास्ट ट्विच को। ये अपने आप में Type 2A और Type 2B में डिवाइड होता है। ठीक है, ये एक्टिवेट, पहले ये एक्टिवेट होते हैं, फिर उसके बाद में धीमे 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 लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी के लिए एनर्जी सप्लाई करते हैं। इसमें एक्टिवेशन के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, हर मतलब ये समझ लो कि ये एक्टिवेट फॉर्म में ही रहते हैं। सडन बस तुरंत, जैसे जैसे स्टिमुलेशन मिला तुरंत काम करता। ठीक है, यूज स्लो इवन एनर्जी। ठीक है, ये स्लो एनर्जी जनरेट करते हैं और पूरी सतत एनर्जी जो है वो जनरेट करते रहते हैं। यूज अ लॉट्स ऑफ एनर्जी क्विकली, क्योंकि ये सडन एक्टिविटी होती है। जैसे आपने 100 मीटर की स्प्रिंट लगानी है, जैसे आपको स्नैच वेट लिफ्टिंग करनी है, राइट, तो उसमें कितना टाइम लगता है ना। एनर्जी फॉर लो इंटेंसिटी एक्टिविटी, इसमें इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं रहती है। यहाँ क्या होता है, इंटेंसिटी जो होते हैं वो हाईएस्ट इंटेंसिटी से काम करना आपको होता है, राइट। हैव मोर ब्लड वेसल्स, ज्यादा ब्लड वेसल्स इसमें पाई जाती हैं, ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाए जाते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन की यहाँ जरूरत होती है, राइट। इसमें क्या होता है, अगर आप फास्ट ट्विच मसल फाइबर की बात करो, क्रिएट एनारोबिकली एनर्जी, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन की इसमें जरूरत नहीं होती, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ स्लो ट्विच मसल फाइबर, राइट, यस। ठीक है, चलते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। अब हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस को करते करते हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपने ये जो दोनों क्लासेस मैंने ली हैं, उन क्लासेस को आपने कितनी अच्छी तरह से समझा है। ये आपका रिफ्लेक्ट होगा इन क्लासेस में। आई होप दैट कि आप जो है बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को करेंगे। व्हाट आर स्लो ट्विच मसल फाइबर, इनमें से किसको स्लो, कौन से वाले मसल फाइबर को स्लो ट्विच मसल फाइबर आपको बोला जाता है। Type 1A को बोलते हैं, Type 2 को बोलते हैं, Type 2A को बोलते हैं, या Type 2B को। तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जो स्लो ट्विच फाइबर होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम Type 1 से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका, ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, अब चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो हम देखेंगे वो क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक, किसकी करेक्टरिस्टिक नहीं है फास्ट ट्विच मसल फाइबर की। अभी देखिए, लार्ज कैपेबिलिटी नेटवर्क, ये तो नहीं है ना करेक्टरिस्टिक। लार्ज कैपिलरी नेटवर्क की किसको जरूरत पड़ेगी, स्लो ट्विच मसल फाइबर को। क्यों, क्योंकि वहां ब्लड की सप्लाई होगी। और ब्लड की सप्लाई क्यों होगी, क्योंकि ब्लड के थ्रू आपका ऑक्सीजन जो है वो पर्टिकुलर एरिया में पहुंचेगा जहां ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक है, बढ़िया। अभी आप देखते हैं कि और फर्स्ट मसल फाइबर जो है उनकी प्रॉपर्टीज में से कौन कौन सी नहीं है। तो हाई ग्लाइकोजन स्टोर, ये तो बात सही है, ये तो होता है इसमें। ग्लाइकोलेटिक ऑक्सीडेटिव मसल फाइबर भी बोलते हैं फास्ट ट्विच को। ठीक है, हाई स्पीड ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, ये भी सही है। ठीक है, हाई कॉन्ट्रेक्शन स्ट्रेंथ, ये भी बात ठीक है। लो मायोग्लोबिन कंसेंट्रेशन, ठीक है, ये बात भी ठीक है इसमें से, कि आप देखेंगे इसमें लो मायोग्लोबिन कंसेंट्रेशन इसमें रहता है, कि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है टू परफॉर्म द हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी। ठीक है, अब करेंगे हम असल्सन रीजन टाइप का ये क्वेश्चन है, और ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि अगर आपने क्लास करी हुई है तो आपको ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हम पहले रीजन पढ़ते हैं कि रीजन क्या है। कह रहा है Type 1 आर स्लो ट्विच मसल फाइबर एंड आर रेड इन कलर ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, स्लो टू कॉन्ट्रैक्ट एंड स्लो टू फटी, राइट। आगे असर्शन में क्या कह रहा है कि Type 2 आर फास्ट ट्विच मसल फाइबर आर वाइट इन कलर, फास्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड फास्ट टू फटी। अब आपके पास आंसर्स हैं, इनमें से रीजन और असर्शन दोनों सही हैं। दूसरा है, रीजन और असर्शन दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है वो सही है बिकॉज ऑफ असर्शन। ठीक है, और सी आपका बोल रहा है ओनली रीजन सही है, डी में आपका ओनली असर्शन सही है। मैं आपको इसके लिए, मैं आपको देता हूँ 20 सेकेंड, आप 20 सेकेंड में खूब अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिए
और अच्छे से इसका आंसर लगाइए, फिर जल्दी से हम लोग क्या करेंगे इसके आंसर्स को समझ लेंगे। ठीक है, बात इतनी समझ में आती है? बढ़िया, बहुत अच्छे। ये पहले में क्या कह रहा है, पहले में जो आपका रीजन है, रीजन में बोल रहा है कि जो स्लो ट्विच मसल फाइबर हैं वो क्या हैं, वो रेड हैं कलर में, और ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्लो टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें कंट्रक्शन जो होता है वो स्लो होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन अच्छे मात्रा में मौजूद होती है। ठीक है, और इसमें फटीग भी धीमे धीमे होती है। दूसरे असर्शन में बोल रहा है कि टाइप टू जो फाइबर है उनको फास्ट ट्विच मसल फाइबर बोला जाता है, टू ए को। ठीक है, और ये क्या है, ये वाइट होते हैं कलर में, और इसमें कंट्रैक्शन जो होता है वो काफी तेजी से होता है। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए बढ़िया, अब हम इसका आंसर लगाते हैं फटाफट। आंसर्स में देखिए ये कह रहा है, पहले नीचे से लगाना शुरू करते हैं, ओनली असर्शन इज करेक्ट। ये बात तो गलत है क्योंकि अभी आप देखिए पहले वाले में जो बोला है उसने कहा है कि जो स्लो ट्विच मसल फाइबर होते हैं उसमें कंट्रक्शन भी धीमे धीमे होता है, फटीग कम होती है, और रेड ब्लड फाइबर इनको बोला जाता है, तो ये बात सही है। दूसरे में कह रहा है कि जो आपका टू ए है, ठीक है, टाइप टू ए है मसल फाइबर का, वो क्या है, वो आपका फास्ट ट्विच मसल फाइबर है, उसमें कंट्रक्शन फास्ट से होता है, फास्ट फटीग होती है, और व्हाइट कलर में होते हैं। ठीक है, तो दोनों ही की ये आपके दोनों के दोनों, चाहे रीजन की बात करें या असर्शन की बात करें, दोनों सही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है ओनली, ये तो ये ओनली वाले तो कट जाएंगे। ठीक है, ये कह रहा है बोथ रीजन एंड असर्शन आर राइट करेक्ट, ये तो बात सही है, दोनों के दोनों सही है, लेकिन एक बार ये देखते हैं कि बोथ रीजन असर्शन आर करेक्ट और असर्शन सपोर्ट टू रीजन। ठीक है, अभी देखिए जो रीजन है, ठीक है, रीजन किसके बारे में बात कर रहा है, रीजन बात कर रहा है टाइप वन ए के बारे में। ठीक है, टाइप वन के बारे में, टाइप टू ए के बारे में बात कर रहा है असर्शन, तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिए फिर दोबारा एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को लगाएंगे हम। ठीक है, बढ़िया, ये कह रहा है नॉट रिलेटेड टू एस टी एफ, स्लो ट्विच मसल फाइबर से रिलेटेड इसमें से कौन सा नहीं है। अब ये देखिए, ये कह रहा है हाई मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन का काम क्या होता है, मायोग्लोबिन का काम होता है कि ये ऑक्सीजन को मसल्स में कंबाइंड करके रखता है। ठीक है, तो ये जो है नॉट रिलेटेड, ये तो रिलेटेड है ना, तो हमें तो नॉट वाला लगाना है, तो ये आंसर कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लॉट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अभी देखो ये तो प्रॉपर्टी है ना, माइटोकॉन्ड्रिया तो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं स्लो ट्विच मसल फाइबर में। ठीक है, तो बी आंसर भी आपका कट जाएगा। लार्ज कैपेबिलिटी नेटवर्क, अभी हमने थोड़ी देर पहले, कुछ देर पहले पढ़ा था कि जो कैपेबिलिटी नेटवर्क होता है वो क्या होता है, वो काफी ज्यादा होता है स्लो ट्विच मसल फाइबर में। ठीक है, और स्लो कॉन्ट्रेक्शन स्पीड, ये देखिए ये भी बात सही है, ये क्या है, ये भी आपकी बात जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि जो स्लो कॉन्ट्रेक्शन स्पीड किसमें होती है वो स्लो ट्विच फाइबर में ही होती है। ठीक है, अब ये कह रहा है लो एंडोरेंस, तो ये जो आंसर इसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा, इंडोरेंस जो है वो लो नहीं होती है स्लो ट्विच फाइबर में, इंडोरेंस जो है वो काफी ज्यादा होती है, ई आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ इंटरमीडिएट मसल फाइबर। अब देखिए आप इसको बड़ा ही गौर से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, एलिमिनेट करते हुए चलेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। ये कह रहा है स्लो ट्विच एनारोबिक, स्लो ट्विच है और एरोबिक है, ये तो बात यहां से गलत हो जाएगी। ठीक है, फास्ट ट्विच और ऑक्सीडेटिव, फास्ट ट्विच और ऑक्सीडेटिव क्या होता है, ये आपका टाइप टू बी होता है। ठीक है, और टाइप टू बी क्या होता है, ये आपका इंटरमीडिएट टाइप ऑफ फाइबर नहीं होता। ठीक है, अभी देखिए, अभी ये कह रहा है स्लो स्लो ट्विच ग्लाइकोलेटेड, स्लो ट्विच में ग्लाइकोलेटेड होता नहीं है। ठीक है, अभी आप अगला देखें, स्लो ट्विच ऑक्सीडेटिव, ठीक है, स्लो ट्विच है और ऑक्सीडेटिव है, फास्ट ट्विच और ग्लाइकोलिटिक, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे के सारे आंसर आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अब ये बात कर रहा है एफटीएफ के बारे में, मतलब फास्ट ट्विच फाइबर के बारे में, फास्ट ट्विच फाइबर की प्रॉपर्टी हमें देखनी है। अभी जब भी आप देखेंगे क्या होगा कि जो भी आपके यूजीसी नेट का पेपर रहेगा उसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चंस के आंसर रहेंगे,
वो टू द पॉइंट रहेंगे राइट, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो डायरेक्ट आपसे पूछे, वो हमेशा आपसे इनडायरेक्टली पूछेगा और एक से ज्यादा सही आंसर भी आपको देते हैं ज्यादातर क्वेश्चन में राइट. अगर 50% क्वेश्चन आप देखेंगे तो वो किसी ना किसी से लिंक्ड रहेंगे, डायरेक्टली नहीं पूछते. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें डायरेक्टली कुछ भी पूछ लेते हैं. ठीक है, ये कह रहा है फास्ट ट्विच मसल फाइबर. अभी देखिए ये कह रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन इसमें होता है, नहीं होता. एरोबिक रेस्पिरेशन तो आपका स्लो ट्विच फाइबर में रहता है. ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये बात बिल्कुल सही है. बी ये कह रहा है नॉन ऑक्सीडेटिव, ये भी बात सही है. ये नॉन ऑक्सीडेटिव होते हैं आपके फास्ट ट्विच मसल फाइबर राइट. हाई माइटोकॉन्ड्रिया, तो हाई माइटोकॉन्ड्रिया किस में होता है, हाई माइटोकॉन्ड्रिया तो आपका एनारोबिक में होता है. और एनारोबिक क्या कहलाता है, एनारोबिक आपका सॉरी एरोबिक में होता है, और एरोबिक क्या कहलाता है आपका, स्लो ट्विच मसल फाइबर कहलाता है राइट. अब बात आती है ऑक्सीडेटिव और ग्लाइकोलेटिव, ये बात ठीक है. ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलेटिक ये कौन सा होता है आपका, ये फास्ट ट्विच मसल फाइबर की ही प्रॉपर्टी. ठीक है, तो ये सब था आपका फास्ट ट्विच मसल फाइबर स्लो ट्विच मसल फाइबर के बारे में. अब हम जो अगला जो आपके क्लास में पढ़ेंगे उसमें ये रहेगा आपकी जो बाई पिन्नेट, पिन्नेट, यूनिपिन्नेट, ठीक है, फिन शेप, इस टाइप की जो मसल ग्रुप्स रहते हैं उनको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे. तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते.